कल शाम को 5:30 बजे हमें एक खबर मिली कि एक 6 साल की छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। तुरंत ही हमने 6 टीमें बनाई और टीम्स को स्पॉट पे भेजा। उन्होंने टीम्स ने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, आइडेंटिफाई किया। फुटेज के आधार पे जो हमें जानकारी मिली उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद बिलाल है वो आया, बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, बच्ची को वहां से बहला के फुसला के कि आपको साइकिल देंगे और आपकी साइकिल आपके फादर ने लाके रखी है, वो बच्ची को वहां से ले गया। वहां से बच्ची को एक ऑटो में अफजलगंज जो बस स्टेशन ले गया, वहां से 532 बस नंबर फलकनुमा डिपो, वहां से जेपी दरगाह गया। वहां पे वो पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ लेबर काम कर चुका था, तो वहां पे लेबर के लिए रूम रहते हैं, तो वहां पे बच्ची को रूम में ले गया, वहां पे बच्ची के साथ रात में रहा। मॉर्निंग में हमारी टीम सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंची, तो सुबह ये वहां से बाहर आ रहा था, तो वहीं पे बस स्टॉप के पास में हमारी टीम ने इसको पकड़ लिया। फिर बैकग्राउंड चेक करने पे हमें पता चला है कि ये बिहार का रहने वाला है, भागलपुर का, और बिहार में भी इसके ऊपर 2 केसेस हैं, एक बाइक चोरी का जिसमें 9 महीने जेल में रहा है, एक और बिहार में पॉक्सो एंड किडनैपिंग का केस है जिसमें इसने 10 साल की बच्ची को किडनैप किया था और कुछ गलत काम भी किया जिसके पॉक्सो भी है, उसमें ये 26 महीने जेल में रहा और मार्च में ही रिहा हुआ है। और हैदराबाद ये पिछले महीने आया, हैदराबाद जुलाई में, अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ लेबर काम किया, गोकुल चाट में 2 दिन काम किया। और 18 जुलाई को कोतूर में भी एक सिमिलर घटना को इसने अंजाम दिया, जहाँ पे इसने एक 8 या 10 साल की बच्ची को किडनैप किया, वहाँ पे भी इसके ऊपर किडनैपिंग और पॉक्सो केस है। और कल भी ये बच्ची को लेके गया, तो जितना अब तक पता चला है ये इसका मोडस ऑपरेंडी है कि रोड पे जो भी बच्चे खेल रहे होते हैं मोस्टली फीमेल, उनको ये लेके जाता है। और अब तक क्योंकि कल भी जब लेके गया तो पैसे का डिमांड 12 घंटे हो चुके थे जब हमने पकड़ा, तो फैमिली को कोई फ़ोन कॉल नहीं किया, तो इसके पास कोई सेल फोन नहीं है, बोल रहा था कि मॉर्निंग में फ़ोन कॉल करते, बट कोई फ़ोन कॉल नहीं किया था। और तो हमें ये शक भी है कि शायद इसका मोडस ऑपरेंडी वही है कि बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट करना, बट बच्चे से हमने बात किया, बच्चे का स्टेटमेंट लिया, भरोसा स्टेटमेंट के लिए भेजा, मेडिकल रिपोर्ट, तो बच्ची के साथ कुछ भी गलत हुआ है इस घटना में ये हम मेडिकल रिपोर्ट और बच्चे के स्टेटमेंट के बाद ही बता पाएंगे। अभी तक तो ये केवल और केवल किडनैपिंग का ही सेक्शन ऐड किया है हमने। कोई और भी है या अकेले ही है? नहीं, अभी तक जितनी भी जानकारी मिली है ये अकेले ही इस तरह की घटना, और इसके पीछे कोई ऐसा प्लानिंग नहीं रहता कि इसने पहले रेकी कर लिया, बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहा है, ऐसा रोड पे चलते हुए कोई भी बच्चे दिखे जो पेरेंट्स के सुपरविजन में नहीं है, इसको अकेले देखते हैं, उनको लेके जा रहा है। पुराने केसेस में भी इसके साथ में कोई अकॉम्प्लिस या पार्टनर नहीं रहा है, अकेले ही ये काम कर रहा है। हैदराबाद ये पिछले महीने आया, जुलाई में। इसके साथ में इसके 2 दोस्त थे जो इसको बताया कि यहाँ पे एक कंपनी है जो इसमें एज अ लेबर आप काम कर सकते हो, तो इसने वहाँ पे भी 4-5 दिन काम किया, फिर इसका एक दोस्त जो है वो वापस बिहार चला गया, एक दोस्त अभी भी काम कर रहा है, तो वो लेबर का ही काम कर रहे हैं, बट ये इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ वी हैव कम टू, अभी तक हमें 3 केसेस के बारे में पता चला है, हाँ पॉक्सो 3 केसेस, एक हमारा इंसिडेंट हो गया विच इज ओनली किडनेपिंग टिल नाउ, देन कोतूर का एक केस जो पॉक्सो केस है, एक बिहार का केस। तीनों ही केसेस में इसने ना ही बच्चों को चाइल्ड लेबर के लिए सेल किया, ना ही किसी ट्रैफिकिंग रैकेट को हैंड ओवर किया, तीनों केसेस में इसने बच्चों को उठाया। हमारे केसेस में अब तक ओनली किडनैपिंग का ही हमारे पास एविडेंस है, बट बाकी 2 केसेस में इसने बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट किया और फिर बच्चे रिकवर हो गए, तो फर्दर बच्चों को बेचा या कुछ और मोटिव वो दोनों केसेस में सामने नहीं आया। तो क्योंकि कल शाम को इंसिडेंट हुआ, मॉर्निंग में पकड़ लिया, उसने कोई फ़ोन कॉल नहीं किया। बिहार के केस के बारे में विडो हमारे को कंप्लीट जानकारी नहीं है, कोतूर में भी फैमिली को कोई कॉल नहीं गया करने पे, तो वो यही बोल रहा है कि उसका मोटिव यही है कि कुछ पैसे मिल जाएं, बट उसने फ़ोन कॉल नहीं किया डिमांड करते हुए कि अगर आप पैसे दोगे तो हम आपके बच्चे को रिलीज करेंगे, इस तरह का कोई फ़ोन कॉल उसने अब तक नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम ये मुस्कान और ऑपरेशन स्माइल के अलावा कोई भी एक कॉन्सर्टेड प्रोग्राम तो नहीं है गवर्नमेंट या पुलिस का
जहाँ पे हम बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, बट भी क्या, हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि बच्चों को बिना किसी सुपरविजन के पब्लिक प्लेसेस में ना छोड़ें। बच्चे अगर घर के बाहर जा रहे हैं तो घर वाले उनके ऊपर नजर रखें। पुलिस तो है ही बच्चों लोगों की और जनता की सुरक्षा के लिए, बट पुलिस का भी एक लिमिटेशन है, नंबर उतना नहीं है, हर जगह हम वॉच नहीं रख सकते हैं। डिटेक्शन हम करते हैं, बट किसी भी इंसिडेंट में डिटेक्शन से बेटर है प्रिवेंशन। तो अगर इंसिडेंट प्रिवेंट होता है तो अच्छा है, उसके लिए समाज को और परिवार को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। तो इन एवरी केस, स्पेशली दीज पॉक्सो केसेस, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स वन कैन कमिट। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि इस तरह के केसेस में एविडेंसेस को सिक्योर किया जाए। मैक्सिमम जो भी आई विटनेस हैं या बाकी तरह के जो भी एविडेंसेस हैं उनको हम इकट्ठा करें और एक स्ट्रॉन्ग केस बनाएं ताकि मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सके।